नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का चुनावी अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के कुलैत गांव पहुंचे, जहां सीएम मोहन यादव ने युवा नेता शिवराज सिंह यादव की ओर से दी गई गदा को जोशीले अंदाज में लहराया। वहीं मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बसपा के पूर्व अध्यक्ष सुरेश बघेल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ग्वालियर के लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में ग्राम कुलैत में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ भाजपा की प्रचंड जीत का दावा भी किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को जिताने की भी अपील की। भगवान जगन्नाथ की, जगन्नाथ के भाग जगत पसारे, क्या आनंद होता है। और कैसे कैसे रहस्य। हमारे यहाँ बाबा महाकाल की नगरी, वहां एक काल भैरव बाबा भी है। काल भैरव बाबा, भारत माता की जय। कितनी भी पिलाओ, बोतलें खाली हो जाए, कलाली खाली हो जाए, पता ही नहीं कहाँ जाती। सब भगवान अपने आप, सब अपने, भारत माता की जय। और मुझे मालूम पड़ा उससे बड़ा रहस्य यहाँ भी है। हर सोमवार के दिन भगवान के सामने मटकी में प्रसाद रखो, अपने आप चार हिस्से हो जाते हैं, अपने आप चार हिस्से। बोला जगन्नाथ स्वामी की। ये संकेत दे रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। चारों दिशाओं से भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति दुनिया में दिग्दिगंत आगे बढ़ती जाए, ये भगवान का आशीर्वाद है। प्रसाद के माध्यम से सबके लिए आशीर्वाद। जोरदार ताली बजाओ जगन्नाथ जी भगवान के। क्षेत्र का एक ऐतिहासिक बहुत बड़ा तालाब, बहुत बड़ा जामफान दिगरा बांध बना हुआ है, जिससे हमारे शहर की पानी की प्यास, पानी पेयजल की व्यवस्था होती है। इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में, भगवान जागेश्वर मंदिर को भी पर्यटन के रूप में सम्मिलित हुआ है। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और निश्चित रूप से हम सबको उनको सुनना है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाने से पहले, जब मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए आए, तब तक आपकी तालियां खड़े होकर बजते दौर। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को निवेदन करूंगा कि जनता जनता को आके संबोधित करें। इससे पहले हमारे सुरेश बघेल जी का भी भारतीय जनता पार्टी में विलय कराने का आपने काम किया। देखिए, ये जगन्नाथ नगरी है हमारी, भगवान जगन्नाथ की नगरी है और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब उसी जगन्नाथ जी के वंशज हैं, कृष्ण भगवान के वंशज हैं। तो आज यहाँ भारत सिंह जी के क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में जनता से आह्वान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं और जनता का हुजूम आप यहाँ देख रहे होंगे। जनता ने भी भरपूर समर्थन और संकल्प लिया है कि हम सब भाजपा के साथ हैं, माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस बात की प्रसन्नता है, ग्वालियर में चारों तरफ बीजेपी का माहौल बना है। भाई भारत सिंह कुशवाहा के लिए मैं कुलैत गांव में आया था, आज उनके लिए सभा हुई, इस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, ये भूतो न भविष्यति। कल विक्रम उत्सव नववर्ष का शुभारंभ हो रहा है, मैं ग्वालियर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।